75,000 करोड़ के कर्ज तले दबे हिमाचल प्रदेश को कर्ज से उभारने के लिए केंद्र सरकार से ही आस बची है, लेकिन केंद्र ने हिमाचल के कर्ज में 5,000 करोड़ की कटौती कर दी है। साथ ही अन्य प्रोजेक्ट को भी रोक लिए गए हैं, जिसको लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार अब सख्ते में है। कांग्रेस सरकार बनने के बाद से लगातार आर्थिक बदहाली का रोना रोया जा रहा है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने के पहले दिन से ही आर्थिक तंगी से जूझ रही है। पिछली जयराम ठाकुर सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन की वजह से प्रदेश 75,000 करोड़ के घाटे में है। ऊपर से केंद्र सरकार ने कर्ज की सीमा को 5,000 करोड़ कम कर दिया। कर्ज लेना सरकार की मजबूरी है। 8,500 करोड़ के प्रोजेक्ट केंद्र में लटके पड़े हैं। जब हमारी सरकार बनी 75,000 करोड़ रुपए का लोन हिमाचल प्रदेश पे सुपर था, हमारी मजबूरी है, हम लोन उठा रहे हैं, ये हर सरकार की मजबूरी है। मगर हमारे को जो लिमिट थी वो आपको पता है 5,000 करोड़ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको कम कर दिया गया है। और एक्सटर्नल एडिड प्रोजेक्ट जो है जिसकी कोई जिसके ऊपर कोई कैपिंग नहीं थी, कोई लिमिट नहीं होती थी, वो हम फॉरन एजेंसी से, चाहे वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये जायका है, यहाँ से हमारे प्रोजेक्ट आए थे। और हमारे 8,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अभी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो ये प्रोजेक्ट जो बैंक है इनके पास पेंडिंग पड़े हैं। मुख्यमंत्री जी फाइनेंस मिनिस्टर से मिले हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि हमारी जो लिमिट है लोन की है उसको जो है वो बहाल किया जाए, और हमारे ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन जो है लिमिट की लगाई है इस एक्सटर्नल एडिट प्रोजेक्ट उसको भी हटाया जाए।